साल 1980 में हमारा वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट एलियंस की तलाश में हमारे गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बेहद करीब से गुजरा था। और सैटर्न के करीब से गुजरते वक्त इसने हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद, जिसका नाम है टाइटन, की तस्वीर भेजी। टाइटन हमारे सौरमंडल का एक ऐसा चांद है जो हमारे एक ग्रह जिसका नाम है बुध, यह इससे भी बड़ा है। इस चांद का टाइटन के अलावा एक और नाम है और वो है प्लैनेट लाइक मून, यानी कि ग्रह के जैसा चांद। तो यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल, और सवाल है कि आखिर हम इस चांद को यानी कि टाइटन को ग्रह के जैसा चांद क्यों कहते हैं। यदि आपको उत्तर मालूम है तो सोच क्या रहे हो, अभी जाकर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखो। और यदि नहीं मालूम तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर अपना जवाब कमेंट में देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। दोस्तों, अभी हाल ही में ही दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उनका अगला मिशन, जिसका नाम है ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो कि साल 2026 में हमारी धरती से टाइटन के लिए उड़ान भरेगा। उनका मानना है कि नज़दीकी ग्रहों पर सफल होने के बाद अब हमारा मकसद दूसरे ग्रहों पर अपना सफल परीक्षण करना है, और यह बात बिल्कुल सही भी है। 6 अगस्त साल 2012 को लैंड हुआ नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर आज भी मौजूद है, और फिलहाल में हमारा यह रोवर गेल क्रेटर नाम के क्रेटर में पानी की तलाश कर रहा है। सो इस मिशन के सफल होने के बाद नासा यह जरूर चाहेगा कि वो अपना नाम टाइटन के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज करा ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले नासा ने कोई भी मिशन शनि ग्रह और उसके चांद के लिए नहीं भेजा था। इससे पहले साल 1997 को नासा और ESA दोनों ने मिलकर एक मिशन, जिसका नाम था कैसिनी हुईगेंस स्पेसक्राफ्ट, को शनि ग्रह की ओर भेजा था। यदि आप सैटर्न के दो मून्स टाइटन और एनसेलाडस के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरे ग्रह पर जीवन को ढूंढने की होड़ में नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन साल 2026 में सैटर्न के मून टाइटन के लिए उड़ान भरने वाला है, और हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह साल 2034 तक टाइटन पर लैंड कर सकता है। दोस्तों, एक ड्रोन जैसा दिखने वाला यह क्वाडकॉप्टर, जिसको नाम दिया गया है ड्रैगनफ्लाई मिशन, यदि यह सफलतापूर्वक टाइटन पर उतरने में कामयाब हुआ तो यह टाइटन के कई स्थानों की स्टडी करेगा। इसे स्टडी करने के लिए एक खास प्रकार से बनाया गया है, जिसमें इसका आकार करीब 10 फुट का है और यह बिल्कुल एक ड्रोन जैसा दिखाई देता है। और यह केवल दिखाई नहीं देता बल्कि यह ड्रोन जैसा उड़ता भी है। इसमें करीब 8 रोटर लगाए गए हैं जो पूरी तरह से सेंसर युक्त हैं। इसके अलावा इसमें 10 फुट चौड़ा डबल रोटर्स वाला एक क्वाडकॉप्टर शामिल है, और इसके अंदर मौजूद 8 रोटर, जिनमें से प्रत्येक का व्यास करीब 1 मीटर जितना है। तो ये तो हुई इस रोवर की पहचान। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस मिशन का आखिर मकसद क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटन हमारी इतिहास की धरती की यानी अरबों साल पहले जन्मी हमारी धरती का एनालॉग है, और इस मिशन के जरिए हमें पता चल सकता है कि धरती पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा ड्रैगनफ्लाई टाइटन के वायुमंडल की और इसके विविध स्थानों की जानकारी हमसे साझा कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें लगे खास प्रकार के सेंसरों की बदौलत यह टाइटन पर मौजूद प्रीबायोटिक नामक रसायन कैसे आगे बढ़ता है उसका अध्ययन करेगा, और साथ में इसमें मौजूद उपकरण इसके वायुमंडल और सतह पर मौजूद जैव रसायनों के काल्पनिक तत्वों की भी खोज करेंगे, और इसके अलावा यह पानी की खोज को भी हमारे सामने रखेगा यदि हुआ तो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खोज तब मानी जाएगी जब यह टाइटन पर जीवन के संकेत को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा, या यह बता देगा कि कभी अतीत में जीवन था या भविष्य में इस पर जीवन होगा। दोस्तों, हमारे कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए इसने टाइटन के भौगोलिक परिवर्तन का करीब 10 साल से अध्ययन किया है, और इसी अध्ययन के कारण टाइटन के मौसमों की जानकारी कुछ हद तक हमारे पास मौजूद है, और इन्हीं जानकारी के कारण हमें पता चला कि टाइटन का कौन सा मौसम लैंडिंग के लिए सही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यह यान किस जगह पर उतरेगा और कितना लंबा सफर यह तय करेगा। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई सबसे पहले सरांगी ला नामक एक अंधेरे टिबला नामक क्षेत्र में उतरेगा, और यह इस इलाके के करीब 5 किलोमीटर के हिस्से में उड़कर इसके विविध भौगोलिक संरचना का पता लगाएगा। लेकिन शुरुआत में इसकी उड़ान बहुत धीमी होगी, और बाद में यह धीरे धीरे अपनी उड़ान क्षमता को बढ़ाता चला जाएगा।
इसके बाद यह सेल्फ क्रेटर नामक गड्ढे की मात्रा का अध्ययन करेगा, जहां इसका मकसद होगा पानी के सबूत ढूंढना और थोलिन नामक कार्बनिक यौगिकों का पता लगाना। आपको बता दें कि इस सेल्फ क्रेटर का व्यास करीब 90 किलोमीटर है, यानी करीब 56 मील, और धीरे धीरे यह और भी रास्ता तय करेगा। इस यात्रा के दौरान यह रोवर करीब 108 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा, और यदि यह ऐसा कर पाने में सफल हुआ तो यह इसका एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज तक कोई भी दूसरा यान इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाया है। और इतनी ज्यादा लंबी उड़ान में इस यान का साथ देगा इसका वायुमंडल। जी हाँ फ्रेंड्स, यह उड़ने के लिए टाइटन के घने वातावरण का फायदा उठाएगा, क्योंकि इसका वातावरण धरती की तुलना में 4 गुना डेंस है। दोस्तों, टाइटन का मोटा वायुमंडल बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन तथा 0.1% हाइड्रोजन गैस से। यानी कि धरती और शुक्र के बाद टाइटन ही एक ऐसा पिंड है जिसके पास सॉलिड सरफेस और मोटा वायुमंडल मौजूद है। इसके अलावा टाइटन सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और इसी कारण इसकी सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस रहता है। और साथ साथ में इसके आकार को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यह एक ग्रह हो सकता था यदि यह शनि ग्रह का चक्कर न लगाते हुए सीधा हमारे सूरज का चक्कर लगाता। तो साल 2026 को ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि यह रोवर इसके मोटे वायुमंडल और -179 डिग्री सेल्सियस पर टिक पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही स्पेस से जुड़ी वीडियोज देखने के लिए नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।